तो जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में है और यहाँ पर देखिए 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुक्रमांक नाम, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कोड कितना है 732, संकेतांक कितना है 825, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से वीडियो को देखना, और वीडियो के जो आखिरी में बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मानचित्र कार्य होता है इसको कैसे हल करना ये भी बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए समय 3 घंटा यहाँ पर 15 मिनट होगा, उसके बाद में सामान्य निर्देश दिए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें ये बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए इसमें लिखा है प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, उसके बाद में प्रश्न पत्र यहाँ पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, उसके बाद में यहाँ पर यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड आ एवं बा में विभाजित है। उसके बाद में लिखा खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, इनका उत्तर आपको OMR शीट पर आपको देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो खंड बा होगा 50 अंक के अंकों का वर्णात्मक प्रश्न होगा, जो आपको यहाँ पर वर्णात्मक 1 होगा, वर्णात्मक 2 होगा। उसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 का और यहाँ पर 29 का खा वाला होगा, ठीक है। उसके बाद में ये लिखा है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है यहाँ पर, दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर क्या करना है, जो यहाँ पर मानचित्र दिया जाएगा अभी बताऊंगा आखिरी में, जो मानचित्र दिया जाएगा उसको क्या करना है आपको प्रश्न पत्र से फाड़ लेना, इसी में मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना, उन पर जो भी आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न है उनको हल कर लेना है। उसके बाद में जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी कॉपी, उसी में आपको क्या करना, पीछे उसको बांध देना, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से शुरू करते हैं, खंड आ है और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में की, यहाँ पर 1779 ईस्वी की, 1789 की, 1780 की, 1799 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1789 ईस्वी, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है, ध्यान से वीडियो को देखना, और इन्हीं में से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी फंसेंगे और ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला है जलियांवाला बाग की जो घटना कब हुई, 8 अप्रैल 1919 की, 10 अप्रैल 1919 की, 13 अप्रैल 1919 की, यहाँ पर 25 अप्रैल 1919। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जलियांवाला बाग की ये घटना कब हुई थी, तो यहाँ पर ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला यहाँ पर करो या मरो किस का नारा था, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नारा था, क्या था, करो या मरो का नारा किसका था, तो ये महात्मा गांधी जी का था। अगला है नेपोलियन संबंधित था, फ्रांस से कि जर्मनी से कि इटली से कि इनमें से कोई नहीं, तो देखिए जो यहाँ पर नेपोलियन संबंधित था ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस से संबंधित था, और जो नेपोलियन था ये फ्रांस का एक सेनापति था, प्रमुख सेनापति था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेपोलियन कौन था, तो प्रमुख सेनापति था, और जो संबंधित पूछा जाए किससे, तो फ्रांस से संबंधित था। अगला यहाँ पर भारत में कितने संघ राज्य, संघ यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश बता रहा है कितने हैं, 6 हैं कि 7, कि यहाँ पर ऑप्शन में अगला है कि यहाँ पर ऑप्शन में 9, कि यहाँ पर 8, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 है, जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8 हैं, और जो पूछा जाए राज्य कितने हैं तो यहाँ पर 28 राज्य हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन की, सामाजिक तनाव, अहिंसा की, दल बदल की, उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, सामाजिक तनाव, अहिंसा भी होता है, क्षेत्रीय असंतुलन भी होता है, दल बदल भी, दल बदल का मतलब होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं, जो नेता होते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। अगला यहाँ पर मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वायरल पेपर है। और बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, अमेरिका की, रूस की, इंग्लैंड की, चीन, तो देखिए जो औद्योगिक यहाँ पर क्रांति कब यहाँ पर किस देश में प्रारंभ हुई, तो ये यहाँ पर देखिए जो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से हुई थी। अगला है निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था, धर्म सुधारक की, राष्ट्रवादी नेता की, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए जो यहाँ पर मार्टिन लूथर था ये यहाँ पर धर्म सुधारक था, कौन था, धर्म सुधारक था। अगला यहाँ पर लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो देखिए जो हमारा लौह अयस्क होता है ये क्या, इसे हम दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय योग्य है, ध्यान रखना अनवीकरणीय योग्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी वाला इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, हरा सोना इनमें से किसे कहा जाता है? जो हमारा हरा सोना, इसे किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति की हरे घास के मैदान को, कि हरे पेड़ की सघन झाड़ी को? तो देखिए, जो हरा सोना हमें किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें हमें हम हरा सोना कहते हैं। अगला देखिए, 12वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये देखिए, जो बना है ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया, इनमें से कौन सी फसल जो होती है फलीदार है? तो देखिए, जब फलीदार की बातें आए तो यहाँ पर देखिए, मटर भी होते हैं, चने भी होते हैं, जितनी मतलब जो दालें होती हैं जितनी भी, ये सभी फलीदार ही होती हैं, चाहे अरहर की हो, मटर हो गया या चना हो गया, ये सभी चने की दालें, ये सभी क्या होती हैं, हमारी फलीदार फसल होती हैं। बाकी मोटे अनाज जैसे यहाँ पर ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए, ढाल ऊपर से और ढाल तक मतलब नीचे तक सीढ़ीदार ये यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये यहाँ पर उत्तराखंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं, इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला यहाँ पर, मोनाजाइट जो रेट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, ये थोरियम पाया जाता है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी बताऊंगा कि जो यहाँ पर मानचित्रकारी, इसको कैसे किया जाता है। वो 10 नंबर के होते हैं और ये 10 नंबर फ्री के होते हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक की, सीमेंट की, मोटर गाड़ी? तो देखिए, क्या बता रहा है कि कौन सा जो उद्योग होता है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो सीमेंट को प्रयुक्त किया जाता है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इसी को प्रयुक्त किया जाता है। अगला है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली की, कोलकाता की, यहाँ पर मुंबई की, अमृतसर? तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है, क्योंकि ये पश्चिम यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण में पड़ती है मुंबई। अगला यहाँ पर देखिए, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? लेबनान की, यहाँ पर श्रीलंका की, बेल्जियम की, यूगोस्लाविया? इसमें क्या बता रहा है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो ये बेल्जियम में है। बेल्जियम एक लेसन भी हमारे यहाँ पर क्लास 10th सोशल साइंस में, और ध्यान रखना जो पूछा जाए बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रूसेल्स है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं, पांच नहीं, पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच की, मुखिया की, ग्राम प्रधान की, वार्ड सदस्य? ये कमेंट जरूर करना बिना चीटिंग किए हुए। इसका राइट आंसर आप लोग 19वें का कमेंट जरूर करना कि ग्राम पंचायत के जो पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है कि मुखिया की, ग्राम प्रधान की, वार्ड सदस्य? कमेंट करना, जो आप लोग सभी लोग ये ज़्यादातर जो गाँव से ही होते हैं, तो कमेंट जरूर करना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला पूछा गया, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, कि राज्यसभा में, कि प्रांतीय विधायिका में? तो जो यहाँ पर संविधान के माध्यम से जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, ये स्थानीय निकायों में, जो यहाँ पर यहाँ पर ग्राम पंचायत की जो चुनाव होते हैं उसमें ये स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिर भी फंसेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, खंड बाहु का मोड़ात्मक प्रश्न होंगे। इसमें देखिए, आपका 21वां, 22वां और 23वां, 24वां चार क्वेश्चन जो होंगे, ये आपको 80 वर्ड में शब्द सीमा में लिखना है, ध्यान रखना है, और ये चार चार नंबर के पूछे जाएंगे, अथवा करके दो दिए जाएंगे, एक में एक ही आपको करने हैं। और ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण का उल्लेख कीजिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारणों का उल्लेख कीजिए, ये सभी तैयार कर लो, कमेंट करोगे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगला है, भारत भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय यहाँ पर आर्थिक महामंदी के पकड़ने यहाँ पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर, या फिर अथवा करके पूछा जाएगा, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए, 4 नंबर, या फिर संसाधन में अंधाधुंध प्रयोग ने यहां पर अनेक समस्याएं पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए, 4 नंबर, या फिर अथवा भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी आप लोग तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं यहां पर, 80 वर्ड का मतलब होता है कम से कम आपको कितने लाइन में लिखना है, इतने लाइन में लिखना है। देखिए इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कम से कम 15 लाइन में लिखोगे तो पूरे मार्क मिलेंगे, ये ध्यान रखना, कम से कम 15 लाइन में 80 वर्ड आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, और ये 80 वर्ड में ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए,
अगला पूछा जाएगा वर्णात्मक प्रश्न 2 होगा, जो लगभग आपको 150 वर्ड में लिखना है। कहने का मतलब एक पेज लिखोगे और उसके बाद में दूसरे पेज के कम से कम 5 लाइन आपको लिखना होगा, ठीक है। ये 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे। लोकतंत्र यहाँ पर के यहाँ पर समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर या फिर जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या इटली का एकीकरण कैसे हुआ, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसका उक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। 6 नंबर का पूछा जाएगा मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर धान की खेती के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी 1, 2 और 3, 4 भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा अथवा करके मतलब 8 आएंगे, इनमें से 4 ही आपको करने, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 29वें का कावाला होगा, खावाला होगा। इसमें लिखा होगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र प्रश्न नंबर 13 पर ए इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है, सही नाम और सही अंकन है तो आपको आधे आधे अंक मिलेंगे, और इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है आपको इनमें से अच्छी तरीके से, आपको मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मानचित्र कैसे भरा जाता है वो वीडियो जरूर देख लेना। 10 मार्क ये फ्री के होते हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको देख लेना, या फिर यहाँ पर आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।